बच्चों बात करेंगे अबाउट फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। देखिए फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि जब कंपनी शेयर होल्डर्स अलॉटमेंट का पैसा या फिर कॉल का पैसा या फिर अलॉटमेंट और कॉल दोनों का पैसा नहीं पे करते हैं तो कंपनी उनका शेयर जो है उनके शेयर का अलॉटमेंट कैंसिल कर सकती है। तो इसी कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ दो शेयर होल्डर्स हु फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड और कॉल्स इज कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो जब कंपनी ऐसे लोगों का शेयर फॉरफीट कर लेती है तो कंपनी की शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाती है टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट कॉल्ड अप ऑन दीज शेयर्स। ठीक है बच्चों, और जो पैसा उन्होंने नहीं दे रखा होता है उसका अरियर जो है हम क्रेडिट कर देते हैं या फिर उन अलॉटमेंट को या कॉल को क्रेडिट कर देंगे और जो पैसा वो दे चुके हैं उसे हम फॉरफीट शेयर अकाउंट में डाल देंगे। तो फॉरफीचर के एंड जो एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, हमारा शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रही है इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है। ठीक है, और अगर आपने अरियर अकाउंट ओपन कर रखा था पहले तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। अरियर अकाउंट ओपन नहीं कर रखा होगा तो वो अलॉटमेंट या कॉल जो भी नहीं मिले होंगे उनको क्रेडिट किया जाएगा अलग अलग, टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कॉल अकाउंट ऐसे लिखा जाएगा। अगर आपने अरियर अकाउंट ओपन कर रखा है तो जो भी अरियर था उन शेयर्स का उनको जोड़ के इकट्ठा ही कॉल्स इन अरियर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब जो पैसा वो शेयर होल्डर्स दे चुके होते हैं डिफॉल्टर जो होते हैं वो पैसा उनको रिफंड नहीं किया जाता, वो पैसा कंपनी अपने पास रख लेती है और उसको इस फॉरफीट शेयर अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। तो एक न्यूली ओपनड अकाउंट है जो फॉरफीचर ऑफ शेयर के टाइम पे ही ओपन किया जाता है और इसमें वो पैसा होता है जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर्स पे कर चुके होते हैं। याद रखिएगा कैपिटल को उस अमाउंट से डेबिट करेंगे जो कि मांगा गया, ना कि उसकी फेस वैल्यू से, जितना वो नहीं दिया वो अरियर्स में, जो दे दिया वो फॉरफीचर में। बच्चों हम फॉरफीचर की एंट्री पढ़ी है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट पार। ये जो क्वेश्चन है या जो ये वेरियस केसेस हैं आपको फॉरफीचर की एंट्री और उसमें अमाउंट कैसे भरा जाता है वो भरने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिया है मैंने कि कंपनी ने फॉरफीट किए हैं 100 शेयर जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपये है। अब इसमें देखिए वेरियस केसेस लिए हैं, ये जो दो तीन हैं दैट इज़ एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल है। केस वन में जो डिफॉल्टर है उसने अलॉटमेंट नहीं दिया उसका शेयर फॉरफीट हो गया। केस टू में उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया उसका शेयर फॉरफीट हो गया। केस थ्री में उसने सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दिया शेयर फॉरफीट हो गया। केस फोर में अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल तीनों ने दी शेयर फॉरफीट हो गया। आखिरी में दोनों कॉल्स नहीं दी केस फाइव में, और लास्ट वाले केस में सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दी। तो ये 6 केसेज हैं, इन 6 केसेज में शेयर फॉरफीट की एंट्री देखेंगे। तो ये देखो केस वन जो है यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफीट हुआ है, तो यानी कंपनी ने केवल अलॉटमेंट तक केवल 5 रुपये ही कॉल्ड किए हैं। तो शेयर कैपिटल तो 5 रुपये कॉल्ड अप है पर शेयर, जिसमें से मिला हुआ पैसा है 2 रुपये पर शेयर और नहीं मिला हुआ पैसा है 3 रुपये पर शेयर। अब इसकी एंट्री कैसे करी गई है वो देखिए, ये देख लीजिए शेयर कैपिटल है वो डेबिट हुआ है 100 × 5 500 रुपये से। अरियर क्रेडिट हुआ है 100 × 3 300 से, और फॉरफीट शेयर क्रेडिट हुआ है 100 × 2 200 से। तो मांगा हुआ जो पैसा है वो तो डाला गया शेयर कैपिटल अकाउंट में, जो मिला हुआ पैसा है वो फॉरफीट शेयर में जो 2 रुपये मिला हुआ है, और नहीं मिला हुआ पैसा है 3 रुपये, 100 × 3 उसमें आ गया 300 रुपये। और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के जो 5 रुपये हैं वो मांगे नहीं गए 3 और 2, तो इसलिए हमने कैपिटल को उसमें लिया ही नहीं गया। कैपिटल में सिर्फ कॉल्ड अप वैल्यू ली जाती है और उसमें से मिला हुआ पैसा फॉरफीचर में, नहीं मिला हुआ पैसा अरियर में आता है, ध्यान रखिएगा बच्चों। केस थ्री में देखिए बच्चों, केस टू में सॉरी, कि कंपनी 8 रुपये कॉल्ड कर लिए हैं जिसमें से 3 रुपये अलॉटमेंट के और 2 रुपये फर्स्ट कॉल के नहीं मिले हैं, और आखिरी कॉल के 3 रुपये अभी तक मांगे नहीं गए हैं। तो शेयर कैपिटल का कॉल्ड अप वैल्यू आ गया 7 रुपये, जिसमें से नहीं मिला है 5 रुपये पर शेयर और मिला हुआ है 2 रुपये पर शेयर, और जो भी मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर से जो कि 100 है। आइए अब इसकी एंट्री देखते हैं। देखिए केस टू के एंट्री में हमने कैपिटल में 100 × 7 लिखा है क्योंकि 7 रुपये ही कॉल्ड हुए हैं अभी तक, आखिरी कॉल 3 रुपये नहीं गई है, इसलिए 7 में से उसने 5 नहीं दिए, 3 अलॉटमेंट के और 2 फर्स्ट कॉल के, तो 100 × 5 अरियर्स में आ गया और 2 रुपये वो दे चुका है, तो 100 × 2 शेयर फॉरफिट में आ गया। ठीक है बच्चों, तो कॉल्ड अप 7 रुपये ही पर शेयर था बिकॉज आखिरी कॉल 3 रुपये की करी नहीं गई, और नहीं मिला हुआ पैसा 3 अलॉटमेंट का और 2 फर्स्ट कॉल का, यानी 5 रुपये हो गया। तो 100 × 5 500 कॉल्स इन अरियर में आ गया और फॉरफिट शेयर में पैसा आया 100 × 2 200। ठीक है बच्चों,
केस थ्री में देख सकते हैं कि डिफॉल्टर ने केवल फर्स्ट कोर्स के बाद ही उसका शेयर फॉरफिट हो गया है, यानी एप्लीकेशन अलॉटमेंट वो दे चुका है। अब केस थ्री की एंट्री देख लीजिए बच्चों, ये रहा केस थ्री का एंट्री। कॉल्ड अप तो ₹7 पर शेयर है, आखिरी कॉल के ₹3 मांगे नहीं गए, और अरियर हो गया केवल ₹2 जो फर्स्ट कॉल का है जो नहीं दिया, तो 100:2 अरियर में आ गया, यानी 100:2 200, और मिला हुआ पैसा है 100:5 दो एप्लीकेशन के और 3 अलॉटमेंट के। ठीक है बच्चों, इस फोर में देख सकते हैं कि जो डिफॉल्टर है उसने सिर्फ एप्लीकेशन दिया है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कुछ नहीं दिया, तो शेयर फुली कॉल्ड तो है और उसने एप्लीकेशन अलावा कुछ नहीं दिया, यानी दिया हुआ ₹2 और नहीं दिया हुआ ₹8 है अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के मिला के। देखिए बच्चों, जो है फोर्थ केस में एंट्री बनाई गई है, कैपिटल में तो कॉल्ड अप पूरा ₹10 लिया गया बिकॉज शेयर फुली कॉल्ड हो चुका है, और 10 में से उसने ₹8 नहीं दिए बिकॉज ने एप्लीकेशन के अलावा अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल कुछ नहीं दिया, और दिया हुआ पैसा 102 फॉरफिटेड शेयर में आ गया। ऐसे बच्चों देखिए केस को, उसने अलॉटमेंट तक पैसा दे दिया है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया है, और शेयर फुली कॉल्ड है, 5 मिल चुके हैं, 5 नहीं मिले। केस फाइव के बन देख सकते हैं बच्चों, 100:10 तो कैप 1000 रुपये, ₹5 नहीं दिए उसने, 3 फर्स्ट कॉल के, 2 फर्स्ट कॉल कर 3 फाइनल कॉल के, और 5 वो दे चुका है 2 एप्लीकेशन के 3 अलॉटमेंट के, तो 10 आपका कॉल्ड हो गया, 5 मिल गया, 5 नहीं मिला, तो 100:10 1000, 100:5 500, 100:5 500, 1000 मांगे, 500 नहीं मिले, 500 मिल गए। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं लास्ट केस। केस सिक्स में आप देख सकते हैं कि डिफॉल्टर ने केवल आखिरी कॉल के पैसे और उसका शेयर फॉरफिट हो गया। केस सिक्स की एंट्री देख लीजिए बच्चों, कैपिटल का कॉल्ड अप तो पूरा ₹10 ही है क्योंकि कंपनी कर चुकी है, तो 100:10 1000, और नहीं मिला है केवल आखिरी कॉल का पैसा जो कि ₹3 है, तो 100:3 300, 10 पर शेयर मांगा था, 3 पर शेयर नहीं मिला, तो इसका मतलब 7 पर शेयर मिल चुका है, तो 100:7 700 आपका शेयर फॉर फ्यूचर में आ गया।